बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डेली का तड़का में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली का तड़का में आज हम बनाएंगे बीफ हलीम, बहुत यम्मी और बहुत स्पाइसी होगी ये इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हलीम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देख लेते हैं। एक कप माश की दाल ली है, ये आधा पाव है, आधा पाव माश की दाल है, ये वाला कप है मेरा, ये मेरा आधा पाव का कप है, मैं इससे नापती हूँ। ये वाला एक कप मैंने माश की दाल का लिया है, आधा आधा पाव लिए हैं, आधा पाव चावल लिए हैं, आधा पाव मूंग की दाल ली है, आधा पाव लाल दाल ली है, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें आधा आधा पाव ली है मैंने, इस वाले कप से नापा है। अब यही वाला कप मैंने एक कप दलिए का लिया है, दो कप चने की दाल के लिए हैं, दो कप जौ और दो कप गंदुम, ये चीज़ें मैंने एक एक पाव सारी ली हैं, सिर्फ दलिया आधा पाव लिया है, जौ गंदुम एक पाव है और चने की दाल भी एक पाव है। अब इन सब चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स करके अब भिगो दूँगी, कम से कम 5 से 8 घंटे इनको भिगोना होता है गर्म पानी में। अच्छे से मिक्स करके इनको तेज़ गर्म पानी में भिगो देंगे, अगर पूरी रात के लिए भीगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा काम। दालों को भी साथ डाल देंगे और चावल भी साथ डाल देंगे, सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से वॉश करके उसके बाद गर्म पानी में भिगो देंगे इसको। अब हलीम के लिए कोरमा तैयार कर लेते हैं। कोरमे के लिए 1.25 किलो गोश्त लिया है हमने, बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला है, हड्डी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना, हड्डी का जो गूदा होता है, रख निकलता है, उससे हलीम बहुत टेस्टी बनती है। 4 से 5 खाने के चमचे ये लिए हैं मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक पाव प्याज ली है, उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च ली है, एक चाय का चम्मच हल्दी ली है, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 कप के करीब ऑयल डाल के हमने इसको गरम कर लिया था। अब इसमें प्याज डालेंगे, प्याज डाल के इसको सुनहरी कर लेंगे। तेज़ पात डाल देंगे इसमें, दालचीनी भी डाल देंगे, बड़ी इलायची भी डाल देंगे, फ्राई करेंगे।
प्याज हमारी फ्राई हो गई है, सुनहरी हो गई है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब फिर थोड़ा थोड़ा भूनेंगे इसको। अब इसमें गोश्त डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्याज ने अपना खुद ही पानी छोड़ा है। अब डालूंगी मैं इसमें पानी, एक से डेढ़ लीटर के करीब मैं इसमें पानी डाल के इसको 5 घंटे के लिए मैं गलाने के लिए रख दूंगी। उबाल आने के बाद इसको 5 घंटे के लिए हम रख देंगे, जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल हलवा हलवा गोश्त चाहिए हलीम के लिए। अब ढकना ढक के इसको 5 घंटे के लिए रख देंगे। 5 घंटे हो गए हैं, आइए गोश्त चेक करते हैं। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है कोरमे का। गोश्त भी बिल्कुल माशाल्लाह से हलवा हलवा हो गया, गल गया है गोश्त। अब चूल्हा बंद कर देंगे। ये मैंने दाल गेहूं वगैरह का पानी मैंने उबाल लिया था, इसको बहुत तेज़ गर्म कर लिया था। अब इसमें मैं सब चीज़ें डाल दूंगी, क्योंकि ठंडे पानी में इसको नहीं डालेंगे वरना ये सब चीज़ें अकड़ जाएंगी, क्योंकि गर्म पानी में भीगी हुई होती हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल देंगे, 1 चम्मच नमक का डाल देंगे। तकरीबन 7 से 8 घंटे भिगोया था मैंने इन सब चीज़ों को। 8 घंटे भीगने के बाद फिर मैंने इसको गर्म पानी करके उसके अंदर डाला है। अब 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डाल के इसको उबाल देंगे। उबाल आने का वेट करेंगे। थोड़ी नरम हो गई है ये, लेकिन अभी ये इनको थोड़ा और पकने की ज़रूरत है, क्योंकि हलीम बिल्कुल घुटी हुई होनी चाहिए। अब ढकना ढक के इसको पकाएंगे हम। अब हम कोरमे से गोटियों को अलग कर देंगे, इनका रेशा कर लेंगे ताकि हलीम घोटने में आसानी हो। गोटियों का रेशा कर लिया है हमने, सारी बोटियाँ निकाल ली हैं। अब मैं एक प्याले में तार भी निकाल लूँगी। तार हम ऊपर से अलग से डालेंगे, सारा तार निकाल के अलग रख देंगे। अब दालें चेक करते हैं। पानी खुश्क हो गया है, अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। दालें तकरीबन गल गई हैं, अब हैंड मिक्सर से इसको पीसेंगे। अच्छे से पीस लेंगे। और ये काफ़ी हद तक पीस चुकी है। अब हम इसमें रेशा किया हुआ ये गोश्त भी डाल देंगे, सारा ही गोश्त इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से गोश्त को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें सारा कोरमा भी डाल देंगे, हड्डियाँ वगैरह सब मैंने अलग कर दी थी।
हड्डियाँ निकाल दी हैं, सिर्फ गोश्त और कोरमा डाला है। अब थोड़ा सा इससे घोट लेंगे। हल्के हल्के हाथ से घोट लिया है हमने इसको, अब 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तीन खाने के चमचे इसके ऊपर अभी गरम मसाला डाल देते हैं और फिर थोड़ा सा घोटा लगाते हैं ताकि गरम मसाला भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा घोटा भी लग जाए इसी बहाने। कबीर से इसको अच्छी तरह से गरम मसाले को मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि हलीम नीचे से जले नहीं। अब हलीम बिल्कुल तैयार है हमारा। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।